प्रिय दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम आपके द्वारा कमेंट बॉक्स में पूछे गए क्वेश्चंस का उत्तर दे रहे हैं, जो कि किसी ने पूछा था कमेंट बॉक्स में कि हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ साइलेंट वर्ड ही लिखना है। और जो फर्स्ट वाला क्वेश्चंस है, इसमें है अंग्रेजी में साइलेंट अक्षरों का प्रयोग क्यों किया जाता है। इसका आंसर और इसका आंसर सेम ही है, परंतु आपको अच्छी तरह से समझना है। और चलते हैं और समझते हैं। देखें, मान लीजिए मैं आपको कह रहा हूँ कि जानना, मैं आपको कह रहा हूँ कि जानना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। आप कहोगे कि KNOW अर्थात नो। अब देखिए, यहाँ पर के को साइलेंट माना जाता है। अगर अगर यहाँ पर के ना होता, अगर यहाँ पर के ना होता, तब हम इसे इस प्रकार लिखते, नो। इसका भी उच्चारण सेम ही है और इसका भी उच्चारण सेम ही है, लेकिन यहाँ पर साइलेंट वर्ड होने के कारण इसका अर्थ होता है जानना, जबकि इसका अर्थ होता है अब इस समय ऐसा। अगर साइलेंट वर्ड नहीं होते तो हम इसका अर्थ अब की ओर लगाते, तब इसका अर्थ अब होता। साइलेंट वर्ड के कारण इसका अर्थ बदल जाता है, तब इसको हम कहते हैं जानना। इसी कारण साइलेंट वर्ड का यूज किया जाता है। एक बार फिर से, अगर साइलेंट वर्ड नहीं होते तब इसका अर्थ अब की ओर जाता। साइलेंट वर्ड की स्थिति होने के कारण इसका अर्थ जानना होता है। इसी कारण साइलेंट वर्ड की जरूरत पड़ी। और हमें कैसे पता चलेगा कि हमें यहाँ पर साइलेंट वर्ड लगाना है। मैंने कहा आपको जानना को इंग्लिश में लिखना है, आपने लिखा नो, आपने केवल इतना ही लिखा। आपको पता नहीं है कि यहाँ पर साइलेंट वर्ड कौन सा लिखना है। मैंने आपसे कहा था कि जानना को इंग्लिश में क्या कहते हैं, आप केवल इतना ही लिख पाए, परंतु इसका अर्थ होता है अब। मैंने तो जानना को कहा, तो ऐसी स्थिति में आप यहाँ पर के लगा दोगी, तब इसका अर्थ हुआ नो, का अर्थ होता है जानना। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव नाइस डे।